दोस्तों ये अबू बकर नहाने के लिए यहाँ पर आया था गांव में, और साथ इसके था जियाउलक, मगर बदकिस्मती यहाँ से चंद मीटर दूर है बस, बॉर्डर भी यहाँ से करीब था, लेकिन अबू बकर नहा नहीं सका क्योंकि ढूंढते यहाँ बॉर्डर तक आगे एक नहाने की जगह नहीं मिली। लाहौर से ये बॉर्डर के करीब नहाने के लिए आए थे सिर्फ और सिर्फ हम, मगर बदकिस्मती से हर ट्यूबवेल हमें बंद मिला। ये भी बंद है ट्यूबवेल, इधर दिखाओ। दो कच्चे भी खरीदे हम, दो कच्चे भी इन्होंने लिए, बड़े 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 बड़े, वो भी कितने का एक था? अबू कितने का था? 150 रुपये का। 150 रुपये का? ओहो, मगर नहा ना सके बदकिस्मती से। तो ये होती है बदकिस्मती, डेस्टिनी पे ये यकीन नहीं करते। इनकी हर कोशिश नाकाम हो गई आज नहाने की। पहले सोदो में गए, वहाँ पे नहीं नहा सके, फिर नहर पे गए, वहाँ पे इन्हें पसंद नहीं आया नहाना, फिर गए हम जॉगिंग ट्रैक पे, वहाँ भी नहाना पसंद नहीं किया इन्होंने, और अब ये आ गए थे ट्यूबवेल पे नहाने के लिए, मगर यहाँ भी ना नहा सके हैं। ओहो, देखो अब ट्यूबवेल चलेगा तो नहाएंगे, चल सकता है? अभी मैं फोन करता हूँ, आ जाओ आगे हम, हो सकता है ट्यूबवेल चली जाए, देखते हैं हम क्या करें अब। दोस्तों प्यासे कबे की तरह हम नहा नहीं सके, सवारी भी कोई नहीं है, दूर दूर तक रिश्का नहीं है, अब यहाँ पर हम बुरी तरह फंस चुके हैं, कोई यहाँ पर सवारी भी नज़र नहीं आ रही जाने के लिए वापस, ना कोई बंदा है, तो अब क्या करें? जो यहाँ क्या है, ये गांव की मस्जिद है दोस्तों, सादा सी खूबसूरत मस्जिद है, ये वजू करने की जगह है। ये देखिए इसका हाल भी मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से, ये देखिए कूलर भी रखा हुआ है, नमाजियों के लिए सादा सी खूबसूरत मस्जिद। ये लाहौर के एक सरहदी गांव की मस्जिद है। ये पिंड का की ना है मोजो के, ये मोजो के दा बाना है जी, 200 रुपए किलो हालत हो यार, पिंडे च इना रेट यार, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੇ ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਆ, ਉਧਰ ਪਰਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਨਾ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉੱਥੇ 8 ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ 9 ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜੀ ਆ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੈ लाहौर तो ही। ये बाना है जी, मोजो के केड़ियां नस्ल दियां मज्जां ने सानू नहीं पता, नहीं इंडिया की चौकी बस अब वापिस जा रहे हैं, अब तो हुआ है, अब तो हुआ है, अब हुआ है, अब क्या करोगे, बच गए। आज शाम की है टिकट मेरी ना, तकरीबन
हवेली ब्रह्मन आबाद मोजोके मोजोके है गाँव का नाम, मोजोके मोजा करो। ये पुराना ट्यूबवेल है, बच गया। गांव का कब्रिस्तान है, ये पड़ी हुई है थापियां गोसे। पक्के दा नहीं कोई किराया नहीं फ्री है किराया 50 रुपए सही है यार, फिर सही है ना, फिर सही है गया यार। ए पक्के दे वकरे पैसे ना ले ले यार, यार अगर फिर तो चलोगे ना। हां फिर भी चलेंगे, थोड़ा 10 और थोड़ा 6 और थोड़ा 5 ये चलावेगा कौन बस हैं। ओ यार हेलो, ये चलेगी भी सही लगता तो नहीं कोई यार, चलेगी यार और सही है लो जी। गरम पानी भी मजा दे रहा। लाहौर बॉर्डर के करीब मिनाला गांव में हम आए हुए हैं, तो ये बस की हालत है आप देख सकते हैं। इधर हम तीनों के अलावा कोई सवारी नहीं है, और वो कह रहा है जी के 20-25 मिनट में चलेंगे। अब देखते हैं बस चलती भी है या नहीं। ड्राइवर तो आ गया यार, ड्राइवर आ गया यार, बड़ी शुक्र है यार जी। इसमें पंखा भी लगा हुआ है बस में, ये भी स्पेशल बस है। देखा अबू बकर, ये गांव का माहौल भी देखो साफ साफ। मिनाला गाँव बस चली नहीं है जी अभी तक, काफी टाइम हो गया है, देखो कब चलती है।
सवारियां भी अभी इतनी नहीं आई हैं बस में। देखते हैं जा रही है। एक मिनट अबू बकर हॉर्न दे दिया है बस ने। चलो आओ फिर बस चलने वाली है जी अभी। कोई नहीं जा रही है। अभी कहाँ जा रही है अभी तो अभी देर है यार तसल्ली दे रहे थे लोगों को। अभी बस नहीं चली। अबू बकर जो है अभी खड़ा है बस में। देखो कब चलता है। बकर बैठो इधर। हम बैठेगा नहीं लेटेगा। मुझे लग रहा है कि जब तक ये सारी नहीं भरेंगी ये चलेगा नहीं है ना। मैं इसको ठा कर दूंगा। तो कैसा लग रहा है इस बस में सफर करते हैं। जिसका था ये क्या होता है क्या। अच्छा मैं ही हूँ आज इस सफर का। तुम्हें बड़ा मजा आया सुना है मैंने। ऐसा सफर मैं अपनी जिंदगी में तकरीबन पहली मर्तबा कर रहा हूँ। पहली मर्तबा ये नया तजर्बा तुम्हें हुआ है। बिल्कुल हैं बहुत तजर्बे हो गए आज ये फटीक टूर में। बहुत तजर्बे हुए हैं। सफर जो है ना नाम ही तजर्बे का होता है। अगर तुम सफर नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा तुम्हें दुनिया का है। अगर तुम कमरे में बैठे रहोगे एसी वाले या कूलर वाले तो क्या पता लगेगा भाई। एसी वाले कमरे में बैठते हैं लेकिन दिमाग चलाना पड़ता है। तो दुनिया के तुझे तजुर्बे तो नहीं होंगे ना तुम्हें। हाँ ये है। जब तक रोड पे नहीं फिरोगे हैं हर बार ही तजुर्बा मिलता है। इस बार ही तरह इस पैसे पूरे हो गए तजुर्बे। इस बार तुम्हें तजुर्बे के पैसे पूरे हो गए। गाँव की भी शहर की बॉर्डर से थोड़े ही दूर थे। दूर से तुमने इंडिया को भी देखा बॉर्डर से। दूर से देखा मगर देखा तो सही। थोड़ा ज़्यादा दूर था बस थोड़ा बहुत नज़र आ गया। खेत तो देख ही लिए। खेत देख लिए। खरबूजा मिला नहीं हमें अभी पका नहीं था। खरबूजा पका नहीं था। ये तुमने बस देख ली गांव की। ये आज तक टीवी में ही देखी थी आज खुद भी देखी। कितनी देर में चलती है अब तुम्हें पता चल गया है। 20 मिनट से तो बैठे हैं हम। 20 मिनट कहा था लेकिन 20 से ज़्यादा ही हो गया अभी तो। हाँ ज़्यादा हो गया। हाँ तो ये देखते हैं ये तजर्बा होता है। अभी देखो इसमें और कितने बंदे आते हैं। जब तक बंदे नहीं बैठेंगे ना सारे ये नहीं चलाएंगे। यही लग रहा है उन्हें अपना पेट्रोल भी तो पूरा करना है ना। हाँ ये तो बहुत हमारे सिटी बड़े बिजी हो गए। बड़ा बिजी हो गया ये तो बहुत। चलो अभी चलती है तो दिखाते हैं फिर इनके लाभ। हाँ तो दोस्तों ये बस चली नहीं जो हम सोच रहे थे वही हुआ है। इनके लाभ जिंदाबाद। और अब हम जा रहे हैं रक्षों में दोबारा फिर चिंगची में बिठाएंगे। चलो भाई। हाँ तो दोस्तों जिस बस में हम बैठे थे वो चली नहीं आधे घंटे बाद हमें उसने कह दिया जी नहीं जा रहे अब हम। ये फटेक टूर है फटेक टूर। अब हम बैठ गए चिंची में। वो सामने इंतहाई लजीज नमक पारे पड़े हैं। हाँ हमने ट्राई नहीं किया लेकिन लजीज। वो जो है मौलवी साहब खाना नहीं चाह रहे और इतनी अच्छी मिठाइयाँ हैं मोहम्मद रफीक स्वीट्स की। वो देखो सीटों पे भी क्या खाना चाहोगे बताओ। बर्फी जहर हर किस्म की मिठाई केक और बेकरी की वैरायटी दस्तियाब है। देखो गुलाब जामुन पड़े हैं हैं रसगुल्ले हैं केक भी है हैप्पी बर्थडे वाला। और ये ताज़ा मिठाई तैयार होती है आपको पता है। हाँ मुझे शीशों में लगाई हुई है। शीशों में भी वो ताज़ा है मलिक मोहम्मद रफी की मिठाई है। कोई लेना ले ताज़ा रहेगी हमेशा। ताज़ा मिठाई पैक करके भी देते हैं ये और वो नंबर भी लिखे हुए हैं इनके। हाँ बताओ 0300437508। और देख लो फैसला कर लो कौन सी लेनी है मिठाई बताओ वो पकड़ कौन सी। यार थोड़ी थोड़ी लेते हैं ना सारी थोड़ी थोड़ी सारी। हाँ मिक्स मिठाई कह रहा है ये मिक्स सर में मिक्स कहना चाहूँ मिक्स मिठाई। ये मुल्तान ले जाना ये मिठाई क्या कहना चाहोगे मुल्तान। हाँ यहाँ की मिठाई में ना अभी वो सारा व्यू देखो ना व्यू उधर वो कह रहा है इधर आ जाओ। चलो मैं उधर की दिखा देता हूँ। हाँ जी ठीक ठाक हो। केड़ी केड़ी मिठाइयाँ बना रहे हो। रसगुल्ले गुलाब जामुन रसगुल्ले गुलाब
सारी मिठाइयाँ जी अंदर ये पड़ी हुई हैं। ये कितनी पुरानी दुकान है थोड़ी? तो ये 40-45 साल पुरानी है। 40-45 साल जी। ओके, केड़ी केड़ी बनाते हो? साढ़े को पुरानी आइटमां ने, कोई रसगुल्ले हो गए, गुलाब जामुन पुराने, लड्डू देसी। अच्छा, देसी बर्फी? मोती चूर दे? मोती चूर नहीं, मोटी बूंदी वाले पुराने। बूंदी वाले देसी क्यों दे जी? ना ना ना, डालडा दे ही होंगे। डालडा दे देसी खान नु नहीं मिलता दे, बना कितों लेने हैं। हाँ, ये तो गल है। एक टाइम की है दुकान का? दुकान का टाइम 7 बजे तो लैके तकरीबन रात के 9 बजे तक। रात के 9 बजे तक जी जी। होम डिलीवरी भी देंगे? नहीं, होम डिलीवरी नहीं दी है। नहीं, नहीं। नंबर तो तुम लिखे हुए हैं? वो तो लिखे तो उसे कुछ फोन पे ऑर्डर दे देना है, इतने बना दे ले जाते। अच्छा, ऑर्डर तो तैयार कर दे हो शादी वगैरह जी या कोई भी और तकरीब हो? सही। तो ना की है? ना, मेरा मोहम्मद शफीक है जी। मोहम्मद शफीक? हाँ जी। तो मिक्स मिठाई का की रेट है? 500 किलो है जी। 500 किलो? हाँ जी। पहली ताज़ा तैयार कर दो? हाँ जी, रोज तकरीबन रोज बिला नागा। लो जी, इधर से मिठाई ज़रूर ले। मैं नाला गांव की दुकान है ये, मोहम्मद शफीक स्वीट। सबसे पुरानी दुकान है मलक की? सबसे पुरानी है जी जी। ताजे बंदे ने जी डेली। ये नमक पारे, ये समोसे। ओके जी।